नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में श्रावण मास को बहुत खास माना गया है। सावन मास में बहुत से व्रत किए जाते हैं और उन्हीं व्रतों में से एक है वरलक्ष्मी व्रत। ये व्रत सावन मास के आखिरी शुक्रवार को किया जाता है और इस बार वरलक्ष्मी का व्रत 25 अगस्त को किया जाएगा। सावन का आखिरी शुक्रवार माँ लक्ष्मी की उपासना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पत्नी माँ लक्ष्मी के वरलक्ष्मी रूप की पूजा की जाती है। ये व्रत सभी के लिए वरदान प्राप्त करने वाला माना गया है। इस दिन व्रत और पूजन से देवी लक्ष्मी का असीम कृपा मिलती है और व्यक्ति को धन संपत्ति, वैभव, संतान, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं वरलक्ष्मी व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसकी पूजन विधि के बारे में भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यदि देवी वरलक्ष्मी की पूजा निश्चित लग्न के दौरान की जाए तो ये लंबे समय तक चलने वाली समृद्धि प्रदान करती है। 25 अगस्त को वरलक्ष्मी व्रत वाले दिन पूजा के लिए 4 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन पहला मुहूर्त सिंह लग्न में सुबह 5:55 से 7:42 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त वृश्चिक लग्न में दोपहर 12:17 से 2:36 तक रहेगा। वहीं इसी दिन तीसरा मुहूर्त कुंभ लग्न में शाम 6:22 से रात 7:50 तक रहेगा। इसके अलावा चौथा शुभ मुहूर्त रात 10:50 से देर रात तक 12:45 तक रहेगा। आप इनमें से किसी भी मुहूर्त में देवी लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। हालांकि मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल देवी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। आगे आपको बताते चलें कि इस साल वरलक्ष्मी व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग जैसे 2 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:55 से 9:14 तक रहेगा, तो वहीं इस दिन रवि योग सुबह 9:14 से अगले दिन सुबह 5:56 तक रहेगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ लक्ष्मी का वरलक्ष्मी अवतार कलयुग में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है। मान्यता है कि माँ वरलक्ष्मी का ये व्रत रखने से अष्ट लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता की छाया भी दूर हो जाती है और उसकी पीढ़ियां भी लंबे समय तक सुखी जीवन व्यतीत करती हैं। अब जानते हैं इसकी पूजन विधि के बारे में। वरलक्ष्मी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें, पूजा स्थल को सजाएं और गंगा जल से सभी जगहों को शुद्ध करें। बता दें कि ये पूजा दीपावली की ही तरह की जाती है, इसलिए माँ लक्ष्मी की मूर्ति के पास भगवान गणेश की प्रतिमा जरूर रखें। इसके बाद कलश और अक्षत से वरलक्ष्मी का स्वागत करें, फिर विधि विधान के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करें और माँ को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण करें। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।